फिल्म है जिसके ऊपर मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है और मूवी बनाने का तरीका भी यही है। पूरी फिल्म जो है इसकी कहानी जो है बेसिकली ये बैंकॉक की कहानी है। मेरा बेटा अली मोहिउद्दीन वो इस फिल्म में हीरो है और नई लड़की एक है एनी वो हीरोइन है। बाकी ऑफ कोर्स वही सीनियर कास्ट है जिनमें जावेद शेख है, मैं हूँ, शमन अब्बासी हैं और इस्माइल तारा हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, नईर एजाज हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंट चीज़ लोगों को नज़र आएगी टेक्निकली इंशाल्लाह ताला ये फिल्म जो है वो बड़ी डिफरेंट होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म सारे लोग बनाते हैं लेकिन फिल्म को बनाना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। सतीश आनंद साहब जो बड़े सीनियर वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम टीवी चैनल जो एक बड़ा चैनल है जिसकी बड़ी फॉलोइंग है, हम टीवी चैनल इसका मीडिया पार्टनर है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। दुआ करें कि चोरी एक चोरी के ऊपर है, 700 करोड़ डॉलर की चोरी है ये, अंडर माफिया है, अंडरवर्ल्ड है इन्वॉल्व इसमें। इट्स अ गुड स्टोरी, बड़े स्केल पर बनाई है और फादर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ लवली एक्सपीरियंस। होता ही है हर बच्चे का रोल मॉडल सबसे पहले उनके वालिद साहब होते हैं, उनके बाप होते हैं। तो जिस तरह मैं देखता था अपने वालिद साहब को और मैं इमेजिन करता था कि बड़े होकर मैंने भी यही करना है और यू नो आई वांट टू हैव अ लाइफस्टाइल लाइक दिस, तो वो चीज़ अब मिलनी शुरू हुई है। थैंक्स टू द प्रोड्यूसर शाहिद कुरैशी, टू द डायरेक्टर जमशेद जान जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। देखिए जी, मेरा तो वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में आपने कुछ भी करना हो प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक पार्ट होती है, तो यू कॉन्ट रियली अवॉइड द प्रॉब्लम्स। लेकिन ये कि फिल्म मेकिंग इट सेल्फ एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि यू एक्चुअली स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रॉब्लम्स कि उनको आपने किस तरीके से टैकल करना और सारा कुछ। म्यूज़िक हमारी फिल्म का किया है जी फैजी अली ने एंड आई थिंक ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। बहुत अच्छे गाने उन्होंने बनाए और जिस तरह फिल्म की सिचुएशन की जो डिमांड थी जहाँ पर गाने आने चाहिए थे वहाँ के लिए आई थिंक इससे अच्छे गाने नहीं बन सकते थे, कोई भी नहीं बना सकता था। मूवी के लिए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं और आई होप कि सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ड्रीम तो था और ड्रीम तो होता है कहीं ना कहीं हर किसी का कि अच्छे तरीके से आप नाम बनाएं अपना, और मेरा भी था और बट वो इस तरीके से बुरा होगा ये नहीं पता था सडनली। हाँ बट लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। आज क्योंकि म्यूज़िक लॉन्चिंग है तो हम म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, तो लेकिन अभी म्यूज़िक आप लोग सुनेंगे, आप लोग को अभी बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट सॉन्ग है आ जा सजन आ जा, और ये पता है इसलिए मेरा फेवरेट है कि मेरा फिल्म में इंट्रोडक्शन ही इसी सॉन्ग से हो रहा है। ओह दैट्स नाइस, तो ठीक है। इसलिए मेरी सॉन्ग के साथ एक अपनी एक अटैचमेंट कह लें वो है कि इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है। आ जा सजन आ जा। जान मोहम्मद इस फिल्म का डायरेक्टर है, उन्होंने आइडिया फ्लोट किया था और मुझे कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं फौज में था और मैं अब तो खैर रिटायर हो गया हूँ, मेरे वालिद साहब को मैंने देख के मैंने भी फौज ज्वाइन की थी। जब जमशेद ने ये कहा कि वो उनके वालिद जान मोहम्मद साहब की ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मैं इस पे बड़ा फख्र महसूस किया कि देखें अपने वालिद की जो है लेगेसी को आगे लेके चलना, क्योंकि मैं भी लेके चला था। तो मैंने कहा कि आई विल नॉट बैक आउट, आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू टू द हिल्ट, लेकिन एक एग्जेम्पलरी फिल्म बनानी है आपने। ये ना हो कि लेट डाउन अपने वाले साहब के नाम को और अपनी कोशिशों को और मेरी सपोर्ट को लेट डाउन नहीं करना, लेट इट बी एन एग्जेम्पलरी फिल्म। कमर्शियल फिल्म है, स्टोरी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, लेकिन एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट मूवी है। इसके अंदर आपको कोई लेसन नहीं मिलेगा, कुछ आपको टॉर्चर नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट एंटरटेनमेंट है इस फिल्म के अंदर। और आप आएंगे एंटरटेन होने के लिए, आपको मज़ा आएगा जब आप जाएंगे तो आपको एक साथ में आपके एक मज़ा जाएगा कि यार बहुत ज़बरदस्त फिल्म देखी है, इट्स टोटल एंटरटेनमेंट। और म्यूज़िक के हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि इस म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है या फिर वही हमारी रिवायत है जो कंटिन्यू है? नहीं, ये देखिए ये प्रॉपर फिल्मी म्यूज़िक है और ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हो रहा है। अभी आप काफ़ी फिल्मों के अगर गाने सुने तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये टीवी का ओएसटी है या फिल्म का गाना है या किसी सिंगर ने अपना कोई एल्बम लॉन्च किया, आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा। ये प्रॉपर सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं
और इसमें ख़ास बात यह है कि इंडियन सिंगर्स और पाकिस्तानी सिंगर इनका मिलाप है इस फिल्म के अंदर, और बहुत दो गाने ऐसे हैं जो डुएट हैं, जो इरफान इंडियन सिंगर हैं और अफशा फवाद पाकिस्तानी सिंगर हैं उन्होंने गाया है, इसी तरह शान इंडियन सिंगर हैं, अफशा फवाद पाकिस्तानी सिंगर हैं उन्होंने गाया है, तो एक कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन है, तो आपको मज़ा आएगा। रिवाइवल होगा म्यूज़िक का भी, जैसे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसका तो फ़िलहाल मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है, बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक हुआ है और बड़े मुश्किल बैकग्राउंड म्यूज़िक था। बैकग्राउंड म्यूज़िक है, आपको पता है कि बहुत मुश्किल, एक डिफ़िकल्ट जॉब है, वो बड़े कम लोगों को आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जो जमशेद जान मोहम्मद हैं उनके वाले साहब के साथ भी मैंने 20-25 फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है, अब जमशेद साहब के साथ काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा और बड़ी रिलीफ वाली पिक्चर है, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इंटरटेनमेंट, पूरी मूवी इंटरटेनमेंट है और बहुत मज़ेदार है, इसमें हर टाइप का मसाला है जो एक कमर्शियल मूवी में होना चाहिए, हर टाइप के लोगों का एक मसाला है, और देखा जाए तो प्रॉपर एक देखा जाए तो कमर्शियल मूवी है और लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी, और मेरी दुआएँ और मेरी गुड विशेज़ है इस पिक्चर के साथ, अल्लाह पाक करो। Role to I'm not sure that I can describe you right now because wo so sab kuch samne aa jayega, but the entire film aap logon ne bhi packaging dekhi hogi, the packaging is awesome and I think is tarah ki colorful film mein badi zaruri thi Pakistan mein aana, so it has dancing, it has songs, it has emotions, it has comedy, above all what is zaruri hai ki comedy ka bhi ek element ho, yes it's a whole package, to is tarah ki film mein hum bachpan se bade ho gaye dekhte hue India ki, तो इस तरह का एलिमेंट थोड़ा मिसिंग था पाकिस्तान में, लोग मिस करते थे कि यार ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो आई बिलीव दैट दिस फिल्म इज़ गोइंग टू केटर दोज व्यूअर्स जिनको इंडियन के बहुत फिल्म याद आती है और उस तरह के, तो जमशेद ने बहुत मेहनत की है, द एंटायर टीम हैज़ वर्क वेरी हार्ड एंड आई एम होपिंग सीरी लॉन्च बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, अच्छा म्यूज़िक है, ठीक है आप पब्लिक इसको कितना पसंद करती है क्या है, और हम बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि इसको लीगल जो है म्यूज़िक बाय करें, अवेलेबल है पाकिस्तान के बड़े स्टोर्स पे, सब पे अवेलेबल है, लाहौर इस्लामाबाद 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी सारी। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक्स टू मिस्टर जमशेद जान मोहम्मद द डायरेक्टर ऑफ द मूवी एंड द प्रोड्यूसर शाहिद साहब, और बहुत मज़ा आया उसे काम करके, ओवरऑल आप लोग सुनेंगे गाने तो आप लोग को लगेगा कि माशाल्लाह बहुत मेहनत हुई और बहुत फ्रीली काम किया, एक तो होता है ना कि आप बहुत स्टक होकर काम करते हैं, एक होता है आप बड़ा फ्री माइंड से काम करते हैं, तो बड़ा फ्रीली हम लोगों ने काम किया और माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन हर हार को दौलत जीत में बदल सकती है। सोचो मत, सवाल 700 करोड़ डॉलर का है। सवाल 700 करोड़ डॉलर का। सब सीनियर्स के साथ काम करके शेख प्रोड्यूसर शमून
और अली के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे फ्रेंडली थे हमारे साथ पूरे सेट पे, और ये भरपूर एक्शन, थ्रिल, रोमांटिक, कॉमेडी सब कुछ है इस फिल्म में, और मुझे तो बहुत पसंद है। अब आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। मेरे लिए तो एक दफा हाँ करने के बाद ये एडवेंचर इन इटसेल्फ थी। एडवेंचर फिल्म तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरे लिए ये बनाना भी एक एडवेंचर था, और जिस तरह मैंने एंजॉय किया है इसको बनाने में मदद करने की, इसी तरह मुझे यकीन है कि आप लोगों को देख के उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान मोहम्मद, जान मोहम्मद साहब के बेटे हैं फजल है। जान साहब के साथ मैंने बहुत काम किया और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत हिट फिल्म खास के तौर पर हांगकॉन्ग की शो रहे थी। तो जब ये जमशेद मेरे पास आए कि इस तरह की फिल्म है सवाल साथ ही प्रॉब्लम का, और इसको मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, पहले मेरे कुछ शक हुआ दिया ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, मगर ये जो कह रहा है इसको पूरा कर पाएगा कि नहीं। इवन इस फिल्म में ये पाकिस्तान की शायद पहली फिल्म होगी जो स्पेशल इफेक्ट्स के साथ है, और पाकिस्तान में सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के साथ फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक मेरी डबिंग नहीं हुई और मैंने वो शॉट्स नहीं देखे, मुझे यकीन नहीं था कि ये स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो इस फिल्म में जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होंगे। और जब मैंने देखे, मैंने जमशेद को जाकर खास बुलाया, मैंने कहा मुझे दिखाओ वो शॉट्स। तो जब वो मैंने शॉट्स देखे तो मुझे यकीन आया कि ये इंटरनेशनल फिल्मों में जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं उससे कम इस फिल्म में आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए अच्छे जान मोहम्मद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत मेहनत से फिल्म बनाई, और मुझे यकीन है कि अच्छे जान मोहम्मद अपने बारे जान मोहम्मद साहब के नाम की लाज रखेंगे। ऐसी और मजीद फिल्में बनाए गए उसी डगर पे है। एक्शन फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, जैसे आपको ट्रेलर से नजर आता है। तो ये इनकी काविश का नतीजा है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये फिल्म आवाम को बहुत पसंद आएगी, और ये इससे बेहतर फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं शाहिद साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा कि इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब हम थाईलैंड में शूट कर रहे थे या पाकिस्तान में शूट कर रहे थे, तो इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर जमशेद जान मोहम्मद का भरपूर साथ दिया है। और क्या फर है, बाकी दो स्टार सबके साथ मजा आया है। गुरु के साथ तो बहुत सी हमने फिल्में की हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में गुलाम मोहिद्दीन के बेटे अली मोहिद्दीन जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारी सबकी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ अली मोहिद्दीन को कामयाब करे, इस फिल्म को कामयाब करे, और इनके लिए इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदी जानत साहब, आप चूंकि अवामी आदमी इसलिए आप वहाँ बैठे हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ आते, लेकिन सब ने कहा कि नहीं सतीश साहब अवामी आदमी अवाम है। लेकिन तमाम मौजूद खवातीन हजरात, हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं शाहिद साहब, डायरेक्टर जान साहब, जावेद शेख साहब, अली और अर्शदा जैनी। देखिए बात यह है कि जब अल्लाह आपको कुछ ऐसा मौका दे कि आप अपने तादाद का इजहार करें, तो बिल्कुल ऑनेस्टी होना चाहिए, उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क का एक कल्चर ये है कि जब भी आप उन लोगों को सामने देखते हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा तारीफें करते हैं। लेकिन मैं जो भी बात करूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, ये मेरे दिल की आवाज़ है, मेरी फीलिंग है। ये इस फिल्म में काम करके मुझे बेइंतहा खुशी हुई,
उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस फिल्म के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने 100% इंसाफ किया, किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। एंड हैट्स ऑफ टू शहद भाई, आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं। और जो कोऑर्डिनेशन मैंने जमशेद की और शाहिद भाई की देखी है, बहुत कम देखी है। आई डिड अलहमदुल्ला मोर देन 300 मूवीज, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में मैं गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आपस में 4 दिन के बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन जितनी प्यार मोहब्बत से काम किया है वो अपनी मिसाल आप है। जमशेद की मेहनत बिल्कुल जान मोहम्मद साहब की तरह है, मुझे यही लगता था जैसे मैं जान मोहम्मद साहब की फिल्म की शूटिंग पे हूँ। रात 2 बजे हम होटल वापस आते थे, सुबह 5 बजे फिर जाते थे। और ये शायद पहला यूनिट है कि दूसरी दफ़ा ये बैंकॉक के फिल्म के साथ इंसाफ करने के लिए, म्यूजिक इसका बहुत अच्छा है, इंडिया में रिकॉर्ड हुआ। और जमशेद की एक और क्वालिटी ये है कि मेहनती होने के साथ साथ इन्होंने अपने वालिद साहब की जो बातें थी उसको उन्होंने ताज़ा रखा, उसी टीम के साथ इन्होंने काम किया, क्योंकि वो टीम आज भी एक्टिव है और सबने उसी तरह से काम किया जैसे जान साहब के साथ काम करते थे। फिल्में तो बनती रहती हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इंशाल्लाह बहुत सारी बनेगी, लेकिन मैं ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जब एक अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मेरी तमाम तर दुआएं इस फिल्म के साथ हैं, यकीनन मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। और अली इस फिल्म में है, अली का डेब्यू है, एनी का डेब्यू है, इंशाल्लाह ये फिल्म कामयाब होगी। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तमाम चैनल्स का। और आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में सिनेमा को आप लोग मजीद सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला ये एक कामयाब और यादगार फिल्म होगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस फिल्म में जो जमशेद ने प्रोड्यूस की है, टेक्निकल बैकअप इसका स्ट्रॉन्ग इतना है कि मैं आज स्वयं आप बिलीव करें कि मैं नहीं उम्मीद करता था कि जमशेद ये काम भी करेंगे, लेकिन जितना अच्छा इन्होंने काम किया इंशाल्लाह ये फिल्म को इन्होंने यादगार बनाया है। मैं पूरी टीम के लिए दुआ करूँ, इस फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ करूँ। एक शख्स का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा इसमें, हसन मताना साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उन्होंने भी इस फिल्म में बेपना अच्छा काम किया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ करूँ। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मेरी पहली फिल्म है, और आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रोड्यूसर शाहिद कुरैशी साहब, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जमशेद जान मोहम्मद साहब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीनियर एक्टर्स लाइक फादर गुलाम मोहिद्दीन साहब, जावेद शेख साहब, शेखुल अब्बासी साहब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से फिल्म को एग्जीक्यूट किया है जमशेद साहब ने, कि कोई भी टीम टेक्निकल डिटेल में जाके इतना अच्छा काम कर सकता है। और इसके अलावा अक्षत भाई मेरे साथ बैठे हैं, अक्षत भाई ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किया है फिल्म के लिए, और आप लोग फिल्म देखेंगे तो आई होप आप लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। बैकग्राउंड म्यूजिक करते वक्त हमें बहुत ही मज़ा आया उसका, और मेरे छोटे भाइयों की तरह उसने फ्री माइंड फ्री हैंड दिया, काम करें आप मज़े के साथ, और बहुत देर बाद मज़ा आया काम करने का। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। और मेरी जो विशेष सबके साथ हैं, मेरी दुआएँ अल्लाह पाक को रोजगार पिक्चर में काम। थैंक यू। इस फिल्म के बारे में मैं ये जानता हूँ
दो लोगों को जो मैंने मेजरली बहुत मेहनत करते हुए देखा है सिर्फ वो जमशेद हैं और शाहिद साहब हैं। खुद उन्होंने बड़ी मुश्किल जा रहे का मामला होते हैं जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और सब गर्मी में और उस टेम्परेचर में काम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बावजूद भी जमशेद और शाहिद साहब को मैंने देखा कि वो अपने ट्रैक्स से नहीं उतरे। उन्होंने ये फिल्म बनानी थी और इस फिल्म की क्वालिटी उन्होंने अच्छी क्वालिटी की फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम मेहनत और तमाम रिसोर्सेज बनाए। उसके बाद मैंने जो मेहनत करते हुए दो लोग और देखे वो उसमें अली और परम दुल्लाह थे, और इन लोगों ने ना सिर्फ स्क्रीन पे लेकिन वैसे भी ऑफ कैमरा जब मैं मेरी पहली दफ़ा इन दोनों से मुलाकात हुई तो जो एनर्जी मुझे दोनों में नज़र आई, जो इंकसारी और जो एक अच्छा रवैया मुझे नज़र आया टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, मुझे लगा कि ये फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे। और द लास्ट नॉट लीस्ट द टू सुपरस्टार्स आर इन द मूवी, गुलाम मुहिद्दीन साहब और जावेद शेख साहब, ये हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए। जिस प्रोजेक्ट में होते हैं डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट की रंग ही कुछ और होता है और उसकी कैपेसिटीज ही कुछ और हो जाती हैं, तो आई एम श्योर। इसके अलावा एक बहुत अच्छे हमारे और साथी थे इस्माइल तारा साहब, उनके सामने भी नहीं है यहाँ पर, उनकी भी प्रेजेंस थी फिल्म में, तो इन सब लोगों की प्रेजेंस ने इस फिल्म को बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया। द फर्स्ट टाइम आई सॉ द प्रोमो आई वॉज रियली अमेज्ड, मैंने देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये रिजल्ट आने वाला है इनका। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर अभी भी बहुत एक्साइटेड हो गए और सारे टीम के मेंबर्स, तो आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। और जमशेद ने और शाहिद साहब ने कोशिश की है कि एक दफ़ा फिर वो वाला स्टाइल फिल्म का लाया जाए जिसको मूवी कहा जाता है, मतलब हम मूवीज़ के नाम पर बहुत कुछ बना तो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन नॉर्मल ये होता है कि मिस दैट एलिमेंट दैट स्पाइस। तो मुझे पता है कि इस फिल्म में वो सारा मसाला वो सब चीज़ें वो सारी सीरियसनेस भी आपको नजर आएगी विच इज़ रिक्वायर्ड इन सो आई एम विशिंग द बेस्ट फॉर द एंटायर टीम एंड थैंक यू वेरी मच। ये खुशी का मौका है, फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ है, बहुत खुशी की बात है। और खुशी के मौके पर एक और खुशी की बात यह है कि एक हिंदुस्तान के बड़े डायरेक्टर इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, हमारे दोस्त हैं। मैंने अभी उनके साथ एक फिल्म की है, उनकी फिल्म थी दूल्हा भैया जो शाहरुख के साथ थी, वो फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनके साथ मैंने अभी फिल्म की है, मैंने और मेरी बेटी ने, इस फिल्म का नाम हैप्पी बाप जाएगी। ये दो दिन के लिए कराची आए हुए हैं और जब मैंने इनको बोला तो कहने लगे कि मैं भी मुबारकबाद देने आऊँगा आपको, तो आपकी बदबू तालियों में मुदस्सर अजीब था। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू हाउ मच आई एम लविंग बीइंग इन पाकिस्तान। इट फील्स लाइक आई एम नॉट लेफ्ट होम। कराची में रहने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बम्बई से बाहर निकल रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जान साहब का, क्योंकि अगर आज यहाँ हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ही इज़ इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसा कि उन्होंने बताया ये मेरी फिल्म में है, मोहम्मद शेर मेरी फिल्म में है, इट्स अ फिल्म दैट स्टार्स अभय देओल, जिमी शेरगिल, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय जिन्होंने दर्शकों को रिटर्न्स बनाए। अभी फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, एक तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो फिल्म है
दिखते थे। ये आने वाली फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म है और इसका नाम है सवाल 700 करोड़ डॉलर का। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जमशेद भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया। एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ द मूवी।